पंजाब सूबे दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता विच आउण तों पहलां लोकां दे नाल वादा कीता सी कि पंजाब सूबे दे विच म्याद मुक्कण वाले टोल प्लाज़ियां नूं पहल दे आधार ते बंद किया जाएगा ते इस उत्ते अमली कार्रवाई करदे हो जिथे पहलां टोल प्लाज़े बंद किए गए उत्थे ही हुण श्री आनंदपुर साहिब दे लागे कीरतपुर साहिब विखे नक्कियां टोल प्लाज़ा भी बंद किया गया। हालांकि कंपनी वालों इस दी म्याद नूं वधाउण दी अर्जी दी गई सी पर माण सरकार वालों इस अर्जी नूं खारज कर दिता ते लोकां नूं रोज़ हुंदी इस लुट तों बचाया है। इस संबंधी इस टोल प्लाजे दे बंद होण दे मौके पहुँचे वख वख आगुआं अते स्थानक वसनीकां ने जानकारी सांझे करदे होए की कहा, आओ सुणदे हाँ। वेखो नंगल सिटी अपडेट लई अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम राम कुमार मकारी है जी। क्योंकि इस टोल प्लाजे का जो फायदा है, पहला तो सब तो पहला मैं मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। साड़ी समुची लीडरशिप जी आम आदमी पार्टी की सरकार इतने बनी है उन्हों का सारे का धन्यवाद है। जिथे जिथे पंजाब के टोल प्लाजे अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं उन्होंने रिव्यू करने की बजाय सरकार बंद कर रही है। तो जरा यह टोल प्लाजा नक्कियां टोल प्लाजे अच्छ असं खड़े हाँ जिहड़ा कि गुरु महाराज की धरती के नाल सानू जोड़दा है कीरतपुर साहब आनंदपुर साहब से इतों ही आप नैना देवी में जाने तो इस जे टोल प्लाजे दर्चिया थोड़ा कितने ना कि श्रद्धालुओं भी दुख दिया आने वाली जे जिन्हें भी होर यात्रु थे उन्होंने भी दुख दिया अज भगवंत मान जी की सरकार ने बहुत वधिया फैसला लिया जरा लोगों को सहूलत देने के लिए यह टोल प्लाजे को अगे बधा ना बधा के रिन्यू ना करके अज खत्म किया जा रहा है। तो जिहड़ियां होर भी लोगों का जो भार है वह घट किया जा रहा है क्योंकि इतने भार डबल हों हिमाचल में लंघते समय उत्थे भी सानू पर्ची देनी पैंदी सी ते आ टोल प्लाजे की जिहड़ी मोटी पर्ची ज्यादा लगती सी इह भी सानू देनी पैंदी इह तों अज असी राहत महसूस करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी टोल प्लाजा बंद किया जा रहा मान सरकार दे वल्लों ते जिहड़ा इनीशिएटिव है हलका विधायक सरदार हरजोत सिंह बैंस जी ने जो वोटा दौरान भी कहा थे भी पहल के आधार से असं यह टोल प्लाजे बंद करा यह बहुत बड़ा भार से जिमें असी गल करिए जे रोपड़ वालों आईए ठीक है जो पहले उत्थे टोल लगता ठीक है गुरुआं की धरती इतने श्री आनंदपुर साहब से देव भूमि हिमाचल में जाना हो भी इतने टोल प्लाजा जोड़ा वह लंघ के जाना पैंदा सीगा तो हुण जिवें तुसीं देखिया भी टर्म है जिहड़ी खत्म हो रही है ठीक है तो इस बाद कंपनी वालों 582 दिन की जिहड़ी है अगे अर्जी दी गई थी वह अर्जी खारिज कर दी गई है तो लगभग 10 लाख रुपया जिहड़ा डेली इत्थे कलैक्शन सी तो तुसीं खुद देख सकते हो जेकर टर्म न्यू हो जाती तो घट्टो घट्ट 58 करोड़ के करीब होर जनता की जिहड़ी लुट होनी सी। सो इत्थे जिहड़ा इनीशिएटिव मान साहब ने हरजोत सिंह बैंस जी ने लिया है यह बहुत बड़ी रिलीफ है जिहड़ी जनता नूं मिलण जा रही है। अज एक इतिहासक दिन हो रहा है पहलियां सरकारां दे विच जिथे कि यह चीज़ों के उत्ते गौर नहीं फरमाया जाता था चाहे जो न्यू की एप्लीकेशन से गई सी तो हो सकता सी यह पुरानियां सरकारां जेकर होंदियां तो इन्हां न्यू भी कर दिंदियां बट मान सरकार जो कहिंदी उह करके दिखाउंदी सी असी कह दे लो धन्नवाद आ बैंस साहब दे मान साहब दे जिन्हां ने यह स्टैप अज लिया है। धन्नवाद जी। अज टोल प्लाजा बंद हो रहा है किन्ना क राहत होगा जे टोल प्लाजा बंद होंदा क्योंकि नाल हिमाचल एरिया देखो जी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार है भगवंत मान की सरकार है ये शुरू तो आम पब्लिक द्वारा फैसले ले रहे अज तक किन्ने पहला टोल प्लाजे बंद करते अज कीरतपुर साहब नक्कियां टोल प्लाजे की बारी आ गई है और यह बंद कर दिता है और इस स्थान तो इतने केसगढ़ साहब भी है तख्त साहब और कीरतपुर साहब भी है और इतों नैणा देवी माता नैणा देवी का भी स्थान है और हिमाचल में जोड़न वाला रास्ता भी इतने जाता इस इलाके के जिन्हें वाहन जाते हैं उन्होंने मेरा तकरीबन मानना है कि 10 लाख तो ज़्यादा है गुरुद्वारा साहब आते जेब उत्ते काफी बोझ पैंदा सी चंगी गल नहीं सी गुरुद्वारा सामने जिहड़ा टोल टैक्स लग्या जावे पंजाब सरकार का चंगा कदम है कि इस टोल टैक्स नूं चक के आम लोगों नूं श्रद्धालुओं नूं जिहड़ी राहत दित्ती जांदी पर इस एरिए एक होर वड्डी गल है क्योंकि ये एरिया साडा हिमाचल की सीमा दे नाल सटिया होया सी हिमाचल तो जिन्ने लोग आते अपने रिश्तेदारियों घर आते उन्होंने जेब उत्ते काफी जरा इस चीज़ का बोझ पैंदा सी इस टोल टैक्स के जाण दे नाल लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जसपाल सिंह जी दस्सो
पिछले दिन जिदा नैणा देवी तो आनंदपुर तो नैणा देवी रोप वे प्रोजेक्ट जो चलना सगा पर ठंडे बस्ते पै गया हूँ मुख दोनों मुख्यमंत्रियों की हिमाचल के पंजाब के मुख्यमंत्रियों की आपस बैठक हुई है पिछले दिन दोनों मुख्यमंत्रियों की आपस जिहड़ी मीटिंग हुई है मैं समझदा कि वह जिहड़े साडे नेड़ले प्रोजेक्ट ने इन्हां दे बाबत ही हुई है उहदे विच इक बहुत ही जरूरी जिहड़ा मसला सी उह नैणा देवी तो आनंदपुर साहब रोड वे सी इस रोपवे पहला भी सरकार ने अकालिया ने कांग्रेस के टाइम बड़ा रौला पाया असी बना किसी ने नहीं बनाया हूं तक हम मैं उम्मीद रखता कि यह प्रोजेक्ट छेती तो छेती दोनों सीएम की सहयोग के नाल चालू होएगा और जिहड़ियां संगतां नैणा दे भी जांदियां आनंदपुर साहब आउंदियां नैणा दे भी जांदियां उन्हां नूं वड्डी राहत मिलेगी और इस जिहड़ा टोल प्लाजा जिहनूं अज बंद करन वास्ते भी सरदार भगवंत सिंह मान होणी आ रहे हैं यह भी एक बहुत वधिया उपराला समय तो पहला बंद कर देना एक विलक्षणता का प्रतीक है क्योंकि भगवंत मान साहब ने हुण तक एक भी टोल प्लाजा नहीं लाया उन्होंने बंद बहुत ही करे है तो जनता के हित के असी बहुत धन्यवाद करते हैं जी इस चीज़ का। अज भगवंत मान सरकार वालों एक बहुत ही विरोधियों के दंदा थले उंगल चप के सोचने वाली गल है जिहड़े नक्कियां टोल प्लाजे ते लोकी बोलदे सीगे अज ओह लोक दिखे नहीं है जो अहम उपराले पंजाब दे लोकां दे भले वास्ते 10 तों 12 लाख रुपए डेली दा इत्थों बचेगा नक्कियां टोल प्लाजा बंद किया जा रहा है विरोधियों नूं इह अज सोचना पवेगा जो भगवंत मान सरकार ने जो आम लोगों वास्ते किया है वो उपराले किस तरह के ने रूपनगर हल्के वास्ते आनंदपुर साहब के हल्के वास्ते जिवें संगतां नमस्तक होण वास्ते आंदियां ने जो हम विसाखी दा तिहार है ये सारिया संगत हुम हुम आगे पहुंच दें उन्हां वास्ते बहुत वड्डी राहत मिलेगी ते पंजाब नूं ते साडे इलाके नूं ते नंगल जिहड़े सैर सपाटे वास्ते लोकी आंदे ने उन्हां वास्ते बहुत वड्डा एक अहम उपराला किया जाएगा भगवंत मान सरकार वल्लों कीते गए काम है उन्हां दे काम बोलणगे ते काम बोलदे ने ते अज नक्कियां जो टोल प्लाजा है जो लुट्टमार जिथे हो रही सी इत्थे वो सारी बंद की जा रही है।